आईपीओ 101। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की शॉर्ट फॉर्म। एक आईपीओ कंपनी के शेयर की पहली सार्वजनिक बिक्री है। आईपीओ से पहले एक कंपनी के शेयर निजी तौर पर रखे जाते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर सार्वजनिक तौर पर खरीदे बेचे जाते हैं। आईपीओ की मदद से कंपनियों को बिना कर्ज बढ़ाए पूंजी जुटाने में मदद मिलती है। नई कंपनियां अपने विकास के लिए पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक बन सकती हैं। स्थापित कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आईपीओ जारी कर सकती हैं। कुछ कंपनियां अपने व्यवसाय का खर्च चुकाने के लिए भी आईपीओ जारी कर सकती हैं। आमतौर पर आईपीओ द्वारा जारी किए गए शेयरों का बड़ा हिस्सा संस्थापक निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। आईपीओ द्वारा जारी किए गए शेयरों का एक छोटा हिस्सा ही व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। इसलिए ज्यादातर व्यक्तिगत निवेशक सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से शेयर खरीदते हैं, जहां शेयरों का कारोबार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए मौजूद शेयरों के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं तो स्मार्ट मनी का अगला अध्याय पढ़ें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.